हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम और फोटोग्राफ जो हमारी पहली पोयम है उसका हमने क्या सेंट्रल आइडिया मतलब बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लें। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जाने में दिक्कत हो रही है तो आई बटन पर क्लिक करके वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा पहला स्टेंजा था, इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने अपने से बनाए हैं। बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, इसका बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। तो हम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बनाए हैं, ये आपके एग्जाम में आने की अधिकतम संभावना है। इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्टेंजा से जितने हम बनाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन और बन जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु आज द बिग गर्ल इन दिस स्टेंजा। तब इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में सबसे बड़ी लड़की कौन है, हु वॉज द बिग गर्ल इन दिस स्टेंजा। तो इसका आंसर होगा द पोएटेस मदर वॉज द बिग गर्ल इन स्टेंजा। जो पोएटेस कवित्री की माँ है वही सबसे बड़ी लड़की है इस स्टेंजा में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु वर द थ्री गर्ल्स कैप्चर्ड इन दिस इन द फोटोग्राफ। मतलब वो कौन सी तीन लड़कियां हैं जो मतलब फोटोग्राफ में कैप्चर्ड यानी कि आई हुई हैं। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें पोएटेस की माँ थी और उनकी टू जो कजिन सिस्टर्स थी, कजिन यानी कि चचेरी बहनें थीं। तो इसका आंसर ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग पैडिंग हॉलीडे। तब वो लोग कहाँ गई थी सैर करने के लिए, पैर छपछपाने के लिए छुट्टी पर। तो दे हैड गॉन ऑन सी बीच फॉर हॉलीडे पैडिंग और आउटिंग, सैर करने के लिए, आउटिंग यानी कि सैर करने के लिए। वो कहाँ गई थी, बीच पे गई थी, सी बीच, समुद्र के बीच पे गई थी। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन बाई हुम। वेयर वॉज द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो थी वो कहाँ की थी और किसके द्वारा खींची गई थी। तो इसका आंसर होगा द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाई द अंकल। देखिए आप अगर पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें दिया है, देखिए अंकल विद द कैमरा, यानी कि इसमें जो फोटो है वो किसके द्वारा खींची जा रही है, उनके अंकल के द्वारा कैप्चर्ड की जा रही है। तो इसका आंसर होगा द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाय द अंकल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, हुज स्वीट फेस वॉज मेंशन इन दिस स्टेंजा। किसका प्यारा चेहरा इस स्टेंजा में मेंशन हुआ है। तो इसका आंसर होगा द मदर ऑफ पोएटेस, जो कवित्री की माँ है उन्हीं का प्यारा चेहरा इसमें मेंशन हुआ है। ये आप लोग अगर पहला पैराग्राफ सही से पढ़े हैं तो इसके आंसर आप लोग आसानी से बना लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैराग्राफ से, जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने बनाए हैं इससे। तो चलिए हम लोग सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसमें क्या है, सम 20-30 ईयर्स लेटर लाफ एट द स्नैपचैट सी बेटी एंड डॉली। ये इस तरह से हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ा होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने बनाए लेकिन इससे हमें तीन ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लेटर द पोएट्रेस लाफ एट द स्नैपशॉट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लेटर द पोएट्रेस लाफ एट द स्नैपशॉट। इसमें हमारे ख्याल से पोएट्रेस की मीनिंग गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे पोएट्रेस की मीनिंग गलत है। तो देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर कितने सालों बाद पोएट्रेस यानी कि कवित्री हंसी है फोटो को देखकर। तो अगर आप लोग सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें सबसे पहली लाइन में लिखा है सम 20-30 ईयर्स लेटर सी लाफ एट द स्नैप शॉट।
तो इसका यही सिंपल से आंसर हो जाएगा, आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर्स द पोइट्स लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर हुम सी हॉलीडे वाज पास्ट, किसके लिए समुद्र का छुट्टियों वाला दिन वो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। तो इसका आंसर होगा द सी हॉलीडे वाज पास्ट फॉर द मदर ऑफ पोएट्रेस, जो पोएट्रेस की माँ है उनके लिए ये पास्ट हो चुका है, यानी कि बीत चुका है। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोएट्रेस मटर्नल कजिन सिस्टर्स, यानी कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ पोएट्रेस, यानी कि कवित्री के जो कजिन सिस्टर्स हैं, पोएट्रेस मटर्नल कजिन सिस्टर्स, उनकी बहनों के नाम क्या हैं। तो इसका आंसर होगा बेटी एंड डॉली वर द नेम्स ऑफ पोएट्रेस मटर्नल कजिन सिस्टर्स, बेटी एंड डॉली थी उनकी कजिन सिस्टर। तो इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे चले, थर्ड पैराग्राफ हमारा छोटा पैराग्राफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, फिर भी हमने कोशिश की है और तीन क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने बनाया है, नाउ शीज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, हु इज सी इन दिस लाइन, इस लाइन में सी किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये पूछा है। देखिए आप लोग स्टेंजा देखिए, इसमें जो ये सी प्रयोग हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, सीज रिफर्स द मदर ऑफ पोएट्रेस इन दिस लाइन, जो सी है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, पोएट्रेस की माँ को। तो ये इसका पहला आंसर। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स एगो हैड द पोएट्रेस मदर डाई, कितने साल पहले पोएट्रेस की माँ मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, मर गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा इट इज सम 12 ईयर्स एगो हैड द पोएट्रेस मदर डाइड, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टेंजा पढ़ा होगा तो उसमें 12 वर्ष की अवस्था में वो वहाँ पे गई थी, और इसमें जो बताया गया है इसमें देखिए, एट लिव्ड देयर नथिंग टू सी इट इज साइलेंस मेनी ईयर्स डेट नियरली एज मेनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड, तो जैसे वो रहती थी, तो यानी कि 12 साल की वो थी जब वहाँ गई थी, तो उनको मरे भी कितने साल हो चुके हैं, सॉरी 12 साल हो चुके हैं, कितने साल, 12 साल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वाट डज दिस सरकम स्टेंजेज यानी कि परिस्थिति रिफर टू। तो इसका आंसर होगा दिस सरकम स्टेंजेज रिफर्स टू द डेट ऑफ द मदर ऑफ पोएट्रेस, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा एंड दिस चैप्टर, दिस इज लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।